ओके गाइस, अभी देख रहे हो यार कितनी भयंकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। भाई सिंचन तू भी कर ले एक्सरसाइज यार सुबह सुबह। अरे मैं नहीं करूंगा यार, अभी तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ए चुप, देख इधर। गाइस सिंचन तो स्टैचू बनने की एक्टिंग कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देख मैं अभी तो स्टैचू बन रखा हूँ। अबे यार तुम दोनों ना ये स्टैचू छोड़ो, एक्सरसाइज करो मेरे साथ, ठीक है ना सुबह सुबह। अरे मैं नहीं करूंगा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप ही करो एक्सरसाइज। गाइस देखो भैंगी भैया, एक बार नाम बताना इस एक्सरसाइज का है। अबे इसका नाम सूर्य नमस्कार है। भाई साहब तू भी कर ले, देख कितना फ्रेश फ्रेश लगेगा। अबे यार सही में बहुत बढ़िया लग रहा है। और नहीं कर रहा, एक काम कर, यहाँ से निकल, मुझे करने दे। अरे ठीक है आप करो, और कर लो ना तो फिर बता देना। चलो गाइस मैं जब तक कुछ और काम कर लेता हूँ। हाँ मैं नहा लूं क्या फेंकी भाई जब तक? अबे जो करना है जाके कर। अच्छा आप तू मेरे साथ रह, इसके साथ मत जाइए बस। अरे हाँ जा जा। गाइस देख रहे हो अभी दोनों मिल गए हैं, और जैसे ही मैं बर्गर लाऊंगा तो चौप पक्का मेरे पास आ जाएगा। और क्या बर्गर? देखो गाइस उसको लगा कि मैं बर्गर ले भी आया। अरे अभी नहीं है, अभी मत आइयो। गाइस देख रहे हो उसको बर्गर का कितना लालच है। छोड़ो मैं आराम से जाता हूँ, और हॉट वाटर पूल में जाऊंगा यार, वो भी चौप वाले में। चलो यार आराम से जाता हूँ और नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ खा भी लूंगा यार। अरे वहाँ क्या हो रहा है, ये चौप वाले पूल में क्या हो रहा है भाई? अरे गाइस समझ नहीं आ रहा, ये इसमें से नोट भी उड़ रहे हैं और रंग बिरंगी चीजें निकल रही हैं। अरे क्या हो रहा है? रुको गाइस अभी मैं फेंगी भैया को बुलाता हूँ। फेंगी भैया सुनो। अबे बोल भाई साहब क्या हो गया? अरे फेंगी भैया चौप के स्विमिंग पूल में जादू हो रहा है यार। अबे भाई साहब मुझे एक्सरसाइज करने दे, तू ही देख मुझे पता है तो लूप ना रहा है सुबह सुबह। अरे गाइस यार इन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट भी नहीं है, एक काम करता हूँ इस टाइम पे पक्का मेरा चौप साथ देगा। चौप चौप सुनना। अरे क्या हुआ सिंचन, क्यों मजाक कर रहे हैं हम लोगों से? अरे चौप सच में हमारे पूल में कुछ हो रहा है यार, और जाओ जाओ मेरे साथ प्रैंक मत कर। गाइस इन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? अरे सच में हो रहा है, और मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगा। अबे भाई साहब जाना है तो अपना प्रैंक अपने पास रख। गाइस जब भी देखो जब भी हमें उल्लू बनाता रहता है यार, अभी मेरे को एक्सरसाइज करने दे। चुप मेरी टांग पकड़ी एक बार मुंह से। अरे यार गाइस ये दोनों तो पागल हैं, मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिख दो कि मैजिक हो रहा है ताकि फेंगी भैया को मेरे पे ट्रस्ट हो। अब मैं जाता हूँ अंदर और देखता हूँ क्या हो गई यार, जाऊँ की ना जाऊँ। चलो चले जाता हूँ, अब तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, तो 3 2 1। अरे यार ज्यादा जम कर दिया, सॉरी सॉरी गाइस। अब जाता हूँ आराम से यार, थोड़े थोड़े दिल में एकदम धक धक हो रहा है, जाऊँ की ना जाऊँ। ए गया। अरे मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है यार, ये सब क्या हो रहा है? अरे फेंगी भैया जल्दी आओ। अबे भाई साहब तू नाटक करते रहे, मैं नहीं आने वाला, मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने से पहले तब आऊंगा। अरे जल्दी आओ गाइस, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, जल्दी आओ यार। गाइस अभी ना सिंचन को ज्यादा चलाने लग गया, चल चौप इसकी नाटक भी देख ही लेते हैं कितना नाटकबाज है। चलो गाइस फटाफट से सिंचन का देखते हैं, चौप तुझे क्या लगता है वो नाटक कर रहा है या सच में कह रहा था जादू हो रहा है यार? अरे मुझे तो नहीं पता, वैसे तो वो झूठ कम बोलता है, पर क्या पता सच भी कह सकता है, लेकिन जादू तो मुझे दिख ही नहीं रहा यार। दिख तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन चलना नीचे चलते हैं देखते हैं कौन सा जादू हो रहा है यार। अरे यार क्या हुआ सिंचन उठना। अबे सिंचन पानी के अंदर क्या कर रहा है भाई साहब, मुंह बाहर निकल बोले तो बेहोश हो जाएगा। अबे सिंचन, अबे भाई साहब सिंचन बेहोश पड़ा है। अबे सिंचन उठ, ओए लात मारना पड़ेगा मुंह पे। अबे उठना सिंचन, अबे ये उठना सिंचन। अरे 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 फेंकी भी है, सच में यहाँ कुछ हो रहा था यार। अबे भाई साहब तू बेहोश कैसे पड़ा था, क्या हो रहा था यहाँ पे, तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे बुलाया तो था, तब तो आप मेरे से आए नहीं थे। गाइस आप लोगों को तो पता ही है जब जादू हो रहा था तो मैंने फेंकी भाई को बुलाया था, इनने उस समय नहीं आई थी यार। अबे जा भाई साहब नाटक मत कर। गाइस अभी मैं नहा लेता हूँ, देखो क्या रिलैक्स लग रहा है यार। एक काम कर जाके ना मेरी गाड़ियाँ साफ कर दे यार, कई दिनों से मैंने साफ नहीं किया, जा जा जल्दी जा। अरे चलो चले जाता हूँ, चौप आएगा क्या मेरे साथ? अरे ना बाबा ना, मेरा मन तो नहीं है। अरे अब तो आ जा यार, जादू के टाइम तो आया भी नहीं था, अब आ जा। चलो ठीक है गाइस, अब मैं सिंचन के साथ रहूंगा, क्या पता ये उस टाइम सच भी कह सकता है ना यार। अरे हाँ चौप मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, और कभी आज तक तेरे से झूठ भी नहीं बोला। चलो गाइस मैं पहले किसको साफ करूँ, स्कूटी को या कार को? एक काम करता हूँ पहले कार को साफ कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे यार वो जादू में क्या क्या हो रहा था? अरे यार पता नहीं नोट उड़ रहे थे, कलर उड़ रहे थे, पता नहीं बहुत चीजें हो रहा था। अरे ये देख डायमंड की बन गई। अरे डायमंड की बन गई गाइस, देखो आप लोग गाड़ी डायमंड की बन गई।
अरे मतलब वो जादू की वजह से ही मेरे पास ये डायमंड पावर आ गई। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, अब मजा आएगा फैंकी भैया को। एक काम कर दो, ये बाइक भी करके देखो क्या। अरे ये बाइक भी हो जाए, अरे हो जाए ना, अरे वाह हो गई चुप। अरे वाह वाह गाइस, सच में सिंचन हमसे झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो हमारी गलती है जो कि हमने सिंचन पे ट्रस्ट नहीं किया। अरे यार कोई बात नहीं चॉप, मुझे पता है तू हमेशा मेरे पे भरोसा करता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है यार। अरे फैंकी भाई जल्दी बाहर आओ यार, जल्दी आओ। अबे यार ये क्या हो गया सिंचन को, अभी तो गाड़ी साफ करने गया था और अभी चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला रहा है। अभी एक काम करता हूँ गाइस, पहले कपड़े पहन लेता हूँ फिर बाहर जाऊंगा। यार ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे को। अभी आ रहा हूँ सिंचन, वेट कर। गाइस फटाफट जाता हूँ और कपड़े पहन के आता हूँ यार। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत खुशखबरी है यार। अबे अब क्या कर दिया तूने, चलो ठीक है जाके देख ही लेते हैं ये सिंचन क्यों बुला रहा है मेरे को। मेरे हिसाब से इन लोगों ने मेरी गाड़ी को तोड़ फाड़ दिया होगा ना, तो आज ये लोग बचेंगे नहीं। कहाँ गया सिंचन, कहाँ गया? अबे एक मिनट बाहर तो जाने दे मेरे को। हाँ सिंचन क्या हुआ तेरे को, जल्दी बता। अरे चुप, ढोलक वाले को कॉल कर यार, आज तो खुशखबरी है। अरे किस खुशी में ढोलक वाले को बुलाया जा रहा है भाई साहब, मुझे भी बताओ। अबे ये डायमंड कार कैसे होगी सिंचन, तू नाच क्यों रहा है यार? अरे वाह 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 मजा आ गया। अरे ये आपको बोला था ना उसमें कुछ हो रहा है, अब मेरे पास आ गई है डायमंड वाली पावर। अरे मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। चुप, ढोलक वाले को फोन नहीं किया क्या? अरे यार मेरे पास तो हाथ ही नहीं, मैं फोन कैसे करूँ यार? अबे भाई साहब तेरे पास डायमंड वाली पावर, गाइस पहले इस वाली बाइक को अंदर रख देता हूँ। अबे सिंचन तेरे पास डायमंड वाली पावर आई है तो मेरी इस गाड़ी को भी डायमंड कर देना यार। अरे नहीं करूंगा, पहले ये बताओ कुछ खिलाओगे? अबे खिला दूंगा, कर देना यार कर दे। तूने जैसे इस वाली गाड़ी को कर दे, पहले उस वाली गाड़ी को भी कर दे यार फटाक से। अरे चलो ठीक है गाइस, फैंकी भाई इतना यार बोल रहे हैं तो कर दे रहा हूँ, वरना मैं करता नहीं। अरे यार सिंचन इनको बोल के चॉप को भी बर्गर खिलाए। चलो गाइस, अरे फैंकी भाई चॉप को भी खिलाना पड़ेगा अनलिमिटेड बर्गर। अबे खिला दूंगा गाइस, आज सिंचन के पास डायमंड वाली पावर आई है तो यार जाने से पहले हम लोग एक अच्छी सी गाड़ी चुरा लेते हैं सिंचन। अरे यार हमारे पास हर टाइप की कार है और बाइक हमें चाहिए नहीं, एक काम करते हैं कोई SUV कार चुराए क्या? SUV कार ही चुरा लेते हैं। और भाई साहब SUV कार चुराने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसी भयंकर जगह में, चलते हैं ना माइकल भाई के घर की तरफ यार। अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो यार सारे अमीर अमीर लोग हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगता है मुझको, कहीं और चले क्या? चल फिर लॉस एंजेलिस के मेन सिटी में चलते हैं, वहाँ पे तो मिल ही जाएगा। चलना मेरी स्कूटर से चलते हैं, स्कूटर में तुम तीनों आ जाएंगे यार। अरे यार मेरे को कहाँ बैठाओगे? अब बैठ जाएगा तू आगे। अरे अब हम लोग क्या बर्गर की दुकान में जा रहे हैं क्या? अभी पहले गाड़ी को चुराने जा रहे हैं। सिंचन देख चॉप का मुंह कैसे बाहर निकाल रहा है यार। अरे देखा है, मैंने देखा है गाइस, चॉप ना सच में असली कॉमेडी है। अरे क्या बोला गाइस, ये लोग मेरे को सोचते हैं कि मैं जोकर हूँ। अरे मैं जोकर नहीं, चॉप हूँ, चॉप द डॉग यार। अबे रहने दे। चलो ठीक है गाइस, यहाँ से निकलते हैं और फटाफट एक बढ़िया गाड़ी चुराते हैं। सिंचन तुझे कहाँ लगता है कहाँ पे हमें सबसे बढ़िया गाड़ी मिलेगी यार? अरे यार गाड़ियाँ तो सबसे ज्यादा बढ़िया पार्किंग में मिलेगी यार। अबे यार पार्किंग में? हाँ भाई साहब, एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी है, उसके नीचे बहुत बड़ा पार्किंग है। चले काम करते हैं, वहीं पे चलते हैं यार। गाइस वैसे आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहला डायमंड स्कूटर हमारे पास ये पूरे लॉस एंजेलिस में यार। ओके गाइस, अभी हम लोग लॉस एंजेलिस के मेन सिटी में आ गए और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या ही बताऊँ। अब इन सब के पार्किंग में जाके देखना पड़ेगा कि यार कौन सी बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पे सबसे पहला वाला पार्किंग आया। अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है। अरे क्यों पागल बना रहे हो, इस बिल्डिंग में उन्हीं लोगों की गाड़ी है जो यहाँ काम करते हो, और तुम काम करते हो तो अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। अरे आईडी कार्ड तो नहीं है, लेकिन एक काम करो ना सर, मेरी डायमंड वाली स्कूटी ले लो और मुझे अंदर जाने दो ना यार। अरे ये असली डायमंड है क्या? अबे बिल्कुल असली डायमंड। अरे हाँ अंकल असली डायमंड है यार, मान जाओ। अरे यार लगता है तो असली डायमंड ही है। आज तो मजा आएगा, इतने देर से खड़ा था कोई मेरे को कुछ भी नहीं दिया। थैंक यू यार, तुम लोगों ने मुझे डायमंड स्कूटी दे दी यार। अरे जाओ मौज करो। अरे उठाओ मत, टायर गिर जाओगे। अरे यार तुम्हारी ना बात सच हो गई, अब नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब उठाऊंगा तो अच्छे से। अरे अंकल आराम से जाओ ना यार, ऐसे मत करो। अरे रुको बच्चे, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ये देखो यार एक नंबर जाऊंगा, आज तो मेरा दिन बन गया, डायमंड स्कूटी मिल गई। ओह गाइस यार क्या स्टंट मार रहे थे पुलिस वाले ऑफिसर। चल अंदर चलते हैं सिंचन, अंदर मेरे साथ कोई नहीं होगा, गाड़ी उठाएंगे और भाग जाएंगे। यहाँ पे बहुत अमीर लोग आते हैं यार। चलो ठीक है, यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, क्या पता उस साइड हो, क्योंकि गाइस ये वाला पार्किंग बहुत बड़ा है यार, वहाँ पे है कोई यार। सिंचन जल्दी छुप जा। अरे है, अरे मैंने देख लिया। अरे यहाँ पे छुपना पड़ेगा गाइस, यार यहाँ पे कितने सारे लोग हैं यार, देख लो एक बार। अबे भाई साहब उनके हाथ में गन भी है,
चलो फिर ठीक है, एक बार को बिजली वाली गन मारता हूँ, स्टन गन, और भाई यहाँ से असर ही नहीं कर रहा सिंचन। चल एक बार दूसरी गन निकालू क्या, ये इसी से मारू मैं। अरे दूसरी गन निकालो, दूसरी गन निकालो। गाइस अब हम लोग रेडी हैं, अटैक मेरे फ्रैंकलिन भैया। ओले भाई साहब, अरे कौन आया रे, मारो उसका। अबे इनको तो पता चल गया, सबके सब मेरे पे फायरिंग कर रहे। अबे रुको अभी तुम्हें बताता हूं। अरे भाई घेर इसको घेर। अरे भाई साहब मुझे कहाँ से घेर लोगे, अभी बताता हूँ तुम लोग को। अबे सिंचन छुप जाइए वरना तेरे को गोली लग जाएगी। एक वो गया। अरे भाई मैं छुपा हुआ हूँ यार, मारो मारो फेंक पे लेफ्ट में वो रहा है। भाई साहब वो लास्ट था, वो भी गया। चलो ठीक है गाइस, अभी यार पूरी पार्किंग में हम ही लोग बसे हुए। अबे जल्दी सिंचन कौन सी गाड़ी उठाओ ये बता फटाक से पहले। अरे यार मुझे कौन सी पता कौन सी बढ़िया कार है। छोड़ेगा ना तुमको। अबे भाई साहब आराम से लेटे रहो वरना और मारूंगा। सिंचन मेरे को सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी लग रही है, कौन सी लग अरे रही ये है? वाइट वाली बढ़िया लग रही है मेरे को, फेंक भी है। वाइट वाली कौन सी, वाइट वाली ये वाली क्या? अरे हाँ हाँ, लेफ्ट में यार। अच्छा गाइस ये वाइट वाली, चलो ठीक है अभी इसको डायमंड में करते हैं। चल सिंचन फटाक से इसको डायमंड में कर यार। अरे रुको डायमंड में हो गई यार। चलो ठीक है गाइस अभी यार इस वाले गेट से निकलते हैं। अबे सिंचन इस वाले गेट से निकलेंगे, क्या पता कोई यहाँ पे खड़ा हो। चल बैक लेते हैं यार। अबे यहाँ पे इनविजिबल गेट लगा है भाई साहब। अरे इनविजिबल गेट वो कब आ गया यार। अबे पता नहीं क्या सिक्योरिटी है सही में गाइस, इस पार्किंग की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है। सिंचन चल उस वाले गेट से निकलते हैं, इससे पहले कोई पुलिस वाला आ जाए यार। अरे गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस आप लोगों ने देखा था कि वो इनविजिबल गेट, जैसे हम गाड़ी लेके गए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं यार। सही में भाई साहब क्या सिक्योरिटी इस बिल्डिंग की, चुप जल्दी बैठ यार, कहीं पुलिस वाला वापस आ जाए यहाँ पर। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी चटनी बना देंगे यार। भाई साहब भाई सही में बताऊं वो गेट देख के तो मैं चौंक गया, सही में वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही आ गया एकदम से गेट आया जिसमें मैं टकराया और भाई साहब अभी तो पकड़े जाते। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं और फटाक से घर चलते हैं। ओके गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं। अरे क्या कार लग रही है यार गाइस, ये कार देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी ऊंची है, चौप ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है यार। और यार क्या बताऊं ऊपर से तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, बहुत ऊंचा है यार, ऐसा लग रहा है कि बस के ऊपर बैठा दिया तुम लोगों ने मेरे को। अच्छा ठीक है बस बस। ओ ये क्या है भाई, आए रुको यार, सर ये आ गया, सर ये आ गया। फ्रैंकलिन भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारे को उड़ा देंगे हम लोग। अबे भाई साहब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर, अभी अभी इतने शरीफ इंसान को आपने पकड़ लिया तुरंत। फ्रैंकलिन भागने की कोशिश मत करना समझे क्या। अबे भाई साहब देखिए मैंने किया क्या सर, अरे इन सबको बोलो गन डाउन कर ले, मुझे डर लग रहा है यार। अरे वो तुम डर रहे हो तो डरते रहो, हमारे पास इतना सारा डायमंड कैसे आ रहा है जबकि इतना तो लॉस सेंटोस में है ही नहीं डायमंड। अरे सर वो तो बस ऐसे ही, आपको किसने बता दिया मेरे पास डायमंड पावर है, मतलब सॉरी मेरे पास इतना सारा डायमंड है। अरे यार मैं बताता हूँ, जिसको तुमने स्कूटी दी थी ना वो हमारा सीक्रेट एजेंट था समझे क्या। अच्छा वो सीक्रेट एजेंट था आपका, लगता है तुमको जेल में जाने का टाइम आ गया है। अरे नहीं नहीं सुनो मेरी पूरी बात सर, ये जो सिंचन है सिंचन इसके पास डायमंड वाली पावर है यार। अरे खुद को बचाने के लिए तुम बच्चे का सहारा ले रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो मेरे को। अबे नहीं 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 सर मैं सही कह रहा हूँ, पहले इन सबको बोलो ना कि ये सारे गन नीचे रख ले, मुझे डर लग रहा है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ, सिंचन के ऊपर कोई जादू हुआ और वो जिस चीज को छू देता है ना वो डायमंड की बन जाती है यार। अरे हाँ अंकल हम झूठ नहीं कह रहे ऑफिसर। अच्छा ये बात है, तुम्हारे सच का पता लगाना है तो तुम्हें मेरे साथ आर्मी बेस चलना पड़ेगा, चलो इसी गाड़ी से आर्मी बेस। चलो मैं चलूंगा लेकिन हम आर्मी बेस कैंप में जाके क्या करेंगे सर। मैं तुम्हारे से आर्मी की व्हीकल डायमंड में करवा के देखूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें उसी टाइम पे जेल में डाल दूंगा समझे क्या। चलो ठीक है ये चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, चल सिंचन इनकी गाड़ियां डायमंड में कर देंगे। भाई साहब इनको पता कैसे चल गया कि हमारे पास डायमंड वाली पावर आई है। सही में गाइस देख रहे हो इतने सारे लोग हमें पकड़ने के लिए आए थे लेकिन हम तो इनको आराम से लेके जा रहे हैं यार। अरे हाँ जो भी हो चलो चलो, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे तुम पागल बना रहे हो क्या। अरे नहीं सर सही में सिंचन के पास डायमंड वाली पावर है। ओके गाइस अभी हम लोग आर्मी बेस कैंप में आ गए हैं और चलते हैं अंदर फटाक से और इनकी गाड़ियों को डायमंड में करते हैं, फिर हम तो निकल जाएंगे वहाँ से ठीक है सर। अरे हाँ हाँ निकल जाना, लेकिन ये बात ध्यान रखना अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, डायरेक्ट जेल में डाल दूंगा। अबे सिंचन इनको समझाना यार हम लोग कैसे हैं यार। अरे इनको पता चल जाएगा सच का, अंकल मतलब ऑफिसर आपको क्या लगता है हम झूठ बोलेंगे, गाइस हम कभी झूठ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते यार। चलो ठीक है पहले आपकी व्हीकल को गोल्ड में करते हैं, सॉरी 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 डायमंड में करते हैं डायमंड में, और
कौन सी व्हीकल कर रहा है अब ये बता दो बस। अरे रोको रोको गाड़ी को, यही रोको। ये जितनी भी गाड़ियां हैं अगर ये डायमंड में नहीं हुई तो समझो कि तुम्हारे लिए जेल खुला है। अरे यार सिंचन, आई होप यार फटाक से तू कर दे वे। सिंचन लग जा काम पे तू फटाक से यार। अरे हाँ हाँ, इतना टेंशन मत करो यार, वैसे भी आज तो बहुत मजा आ रहा है और आज ऑफिसर देख लेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ। ऑफिसर आप रेडी हो क्या? अरे हाँ, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, तुम लोग दिखाओ, अगर नहीं हुआ तो सोच लेना। अरे रुको दो मिनट गाइस, यार बताओ इनको तो भरोसा नहीं है लेकिन आपको तो भरोसा होगा ना। चलो ये भी डायमंड में हो जाए, ये भी डायमंड में करता हूँ। अरे कहाँ हुआ यार, उसका कलर तो ऐसा ही है। अरे रुको क्या अंकल, दो मिनट इसका भी हो जाए। अरे क्यों नहीं हो रहा यार, हो जाए ना, लगता है ये बेइज्जती कराएगा आज। अरे कहाँ हुआ, नहीं हुआ यार। अरे दो मिनट रुकोगे, लो हो गया ना डायमंड में। अरे 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 ये कैसे हुआ यार, बड़ा खतरनाक हो। अरे भाई कैसे किया तुमने, कोई जादूगर भूत प्रेत आत्मा क्या है तुम्हारे पास? अरे मैं बोल रहा था ना आपको कि हमारे पास जादू है जादू, आप खामा खा मेरे पे शक कर रहे थे। चले थी चले हम लोग घर। अरे ना ना, जब तुमने आर्मी के लिए इतना काम किया है थोड़ा सा और काम कर दो। आगे हमारी हेलीकॉप्टर और जेट फाइटर है, वहाँ जाके थोड़ा सा उसको भी डायमंड में कर दो ताकि जब हम दुश्मन से लड़े तो थोड़ी सी हेल्प हो जाए हमारी। चलो ठीक है, इतना बोल रहे तो कर ही देता हूँ। गाइस आर्मी के लिए इतना तो कर सकते हैं। चल सिंचन बाकी व्हीकल को भी गोल्ड में कर देते हैं। अबे यार गोल्ड की याद क्यों आ रही है मेरे को, डायमंड में कर देते हैं। गाइस डायमंड काफी महंगा होता है गोल्ड से, तभी मुझे डायमंड की याद नहीं आ रही, गोल्ड की याद आ रही है। चल यार इनको इसको करना है सर। अरे नहीं इसको नहीं, ये ऑलरेडी पावरफुल है। सामने जो भी हेलीकॉप्टर है और प्लेन है सिंचन, उसको प्लीज कर दो यार। अरे हाँ ऑफिसर आप टेंशन मत करो यार, मैं हर काम में एकदम एक्सपर्ट हूँ, रुको दो मिनट अभी कर देता हूँ। अरे हाँ सिंचन बच्चे, हाँ थैंक यू यार, तुम पे मैंने खामा खामे शक किया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है, और आपका काम भी तो यही है सारे अपराधी को पकड़ना, और अपराधी को पकड़ना ही तो देश का हक है यार। चलो ठीक है गाइस, सिंचन कुछ ज्यादा ही देशभक्त बन गया अभी, तू फटाफट से पहले डायमंड में कर, हमें यहाँ से निकलना भी है यार। अरे दो मिनट गाइस, दो हेलीकॉप्टर टच कर दिया है। अरे यार लेकिन ये पावर बहुत लेट होती है। अरे अंकल डायमंड में हो जाती है वही बहुत बड़ी बात है ऑफिसर। अरे हाँ, अरे हो गई। अरे थैंक्स, अब आप लोग जा सकते हो, और कोई भी हेल्प चाहिए तो कभी भी ले लेना ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा रहूंगा। हाँ अब तो रहोगे ना, हमने आपकी इतनी मदद की जो है। गाइस अभी यार हम लोग की खैर नहीं होती, वरना आज सिंचन के पास डायमंड वाली पावर ना होती। चलो ठीक है आप, अभी यार ये तो नाच रहे, आप लोग वीडियो को लाइक करो फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार आज डायमंड वाली पावर का क्या हमने फायदा उठाया आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखना। अबे चल सिंचन यहाँ से निकलते हैं हम लोग फटाक से।